कौन सा कानून की बात कर रही हैं आप? इनके सारे सवाल आपसे हैं सर, लेकिन बहरहाल मैं चाहूंगी आप डिबेट पर ही रहे। मैं जाटों के रिजर्वेशन पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। सामाजिक प्रश्न, आप प्लीज अगर डिबेट पर रहकर इनके जवाबों को जब देंगे, इनके सवाल का जवाब देंगे, बेहतर होगा, टाइम बचेगा सर। दलितों के समान अधिकारों की बात कर रहा हूँ। ये अधिकारों की बात तो कर रहा है, लेकिन आपका कलेक्टर जो है, आपका कलेक्टर जो है, अगर पत्रकार मिर्जापुर में दलितों को नौ नौकरी देता है तो उसकी FIR कराने का काम करती है सरकार। ये कौन से अधिकार और कौन से संविधान संशोधन की बात करते हैं? आवाज को काट। अब मैं बोल सकता हूं, देखिए जो सामाजिक जवाब दे, एक सवाल अगर कहिए तो मैं भी शामिल कर दूं उसके अंदर। पूछना चाहता हूं, ये कहा गया, जी हाँ बोल लीजिए, बत बोल लीजिए तो मैं हाँ, जवाब। मैं सिर्फ ये वही इसी से के संबंध में है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 5699 BC में स्वामी पैदा हुए और 563 BC में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, और जाहिर सी बात है उस धर्म में जाने वाले जो लोग थे उनकी वजहें अपनी जगह पर साफ थी, और जो पूरा का पूरा जो हमारा वर्ण व्यवस्था है उसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे, और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि अशोका के मैं हिस्ट्री हिस्ट्री वर्तमान में जीना कब सीखेंगे सर? नहीं नहीं, अरे भैया हिस्ट्री, अरे सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, आप बोल लिए तब से तो आप मैं जवाब देता हूँ। देखिए सारे प्रश्न मुझसे किए गए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के जमाने में जो लोग कहते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव होता था, तो मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े ग्रंथ है ना महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन है भाई? मैं वाल्मीकि महर्षि है ना। आज वाल्मीकि समाज किस में आता है? दलित में आता है ना। भगवान वेदव्यास क्या थे? मछुआरिन के बेटे थे ना। तो दोनों तो आज की परिभाषा के अनुसार शेड्यूल कास्ट के हो गए। मैं और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हिस्टोरिकल एविडेंस में जाइए। अगर मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में 7 जातियां हैं पर इतना सामाजिक सौहार्द है कि यहां ग्रीक के समान के समाज के समान किसी का शोषण नहीं होता, यह मेगास्थनीज लिखता है जो ग्रीक राइटर है।